तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है नेक्स्ट एपिसोड में। तो स्टार्टिंग में हमें वो लड़की दिखाई जाती है और वो लड़का जो खड़े होते हैं वहाँ, और फिर वो लड़का बोलता है कि जो वैम्पायर को मॉर्निंग अच्छी नहीं लगती, पर फिर भी ये मेरे साथ अभी तक रह रही है। और फिर जो वैम्पायर लड़की होती है वो जाके लाइट लगा देती है उसके बाथरूम में, जिसको ये देख के कहते हैं वाह कितना अमेजिंग है ये, उसे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर वो खाना खा रहे होते हैं, तभी ये बोलती है क्या तुम इस खाने में सॉल्ट नहीं डालते? तो फिर अपना जो मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, मुझे भी सॉल्ट जो है मिला ही नहीं, इसलिए मैं इसको नहीं डालता। फिर बोलती है क्या कह दिया तुमने। फिर दिखाते हैं कि यहाँ पे तो ये रहा सॉल्ट, इसे हम मेल्ट करके सॉल्ट बना सकते हैं। देखो कितना ज़्यादा सॉल्ट है, हम इस जो ये चीज़ है इसको हम बॉइल्ड करके यानी उबाल के हम इसका सॉइल यानी नमक बना सकते हैं। जब तुम खोद रहे थे तो तुमने नोटिस नहीं किया कि तुम्हारे ऊपर इतना सॉइल है। फिर ये बोलती है गुड मॉर्निंग, फाइनली ये बोलती है गुड मॉर्निंग। फिर जो अपना मेन कैरेक्टर वो भी बोलता है गुड मॉर्निंग। उसके बाद ये बोलते हैं कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं, पूछती है मेन कैरेक्टर से। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि हम अपने ट्री देखने जाएंगे जो फ्रूट्स के ट्री हैं कैसे ग्रो हो रहे हैं। तो ये बोलती है ठीक है, मैं पहले नहा लेती हूँ फिर तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो फिर उसके बाद ये चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि लुक दिस ट्री, इस पेड़ को देखो दिस। वो बोलता है कि हाँ ये थोड़ा टाइम लेते हैं वेजिटेबल ट्री से ज़्यादा, क्योंकि ये ग्रो होने में बहुत टाइम लेते हैं। इसके बाद ये बोलता है कि मैं एक संतरे का पेड़ भी उगाऊंगा और एक आड़ू का पेड़ भी ये उगाना चाहता है नेक्स्ट टाइम। उसके बाद ये जो लड़की होती है वो बोलती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ पेड़ों को। फिर उसके बाद जो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो ये चाय के पत्ते हैं ये मुझे देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, पर मैं जो है ग्रीन टी पीना चाहता हूँ। फिर ये इन दोनों में अंतर बताता है। फिर तभी जो स्पाइडर होता है वहाँ पे खतरे का अलार्म बजाता है, और तभी ये मेन कैरेक्टर बोलता है कि अब क्या हुआ। फिर वहाँ पे सीन चेंज होता है और वहाँ पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसको सभी कुत्तों ने घेर रखा होता है। फिर ये आके बोलता है कि तुमने अटक किया होगा पहले, इसलिए उन्होंने पकड़ा है। फिर जो पीछे आके लड़की बोलती है कि तुम इस सिचुएशन को मैं पहले भी देख सकती हूँ। उसके बाद ये छूट के बोलती है ऑल राइट, और उसके बाद ये कहती है यस थैंक्स सो। फिर इसके बाद ये अपना मैजिक से ठीक कर देती है। फिर जब मेन कैरेक्टर इसका मैजिक देख के बोलता है कि वाओ कितना अच्छा मैजिक है। फिर जैसे पीछे मुड़ के लड़की बोलता है ये, जैसे लड़की जो होती है वहाँ से जा रही होती है, तभी ये लड़की बोलती है तो तुम यहाँ पे हो लू, मतलब जो ये लड़की होती है इसका नाम लू होता है, ये जो वैम्पायर लड़की होती है इसका नाम लू होता है। फिर बोलती है रुक जाओ यहाँ पे, तभी ऐसे बोलती है ऐसे इसके जो डॉग्स होते हैं इस पर हमला कर देते हैं इस लड़की पे। और फिर उसके बाद यहाँ से सीन चेंज हो जाता है और ये हमें अपने घर में दिखाए जाते हैं, जहाँ से ये पूछता है। फिर ये बोलती है लड़की कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। फिर उसके बाद ये बोलते कि एक्सपीरियंस कुछ इतना अच्छा नहीं था। तो फिर वो बोलता है लड़की जो बोलती है लू, वो बोलती है हाँ मुझे पता है कि मेरा भी यही हुआ था। फिर उसके बाद जो लड़की बोलती यानी लू बोलती है कि इनके ऊपर मैजिक का काम नहीं करता। इसे सुनते ही ये दोनों काफ़ी अपसेट हो जाती हैं, और उसके बाद जो ये बंद अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। और इसके बाद जो होता है कि ये व्यक्ति पूछती है कि ये पर्सन कौन है, तो जो लू बोलती है शर्मा के कि ये मेरे हस्बैंड हैं। और फिर जो ये लड़की होती है ये काफ़ी चौंक जाती है। और फिर उसके बाद जो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ इसने ये हम दोनों कपल हैं, अपना जो मेन कैरेक्टर वो बोलता है हाँ आई एक्सपेक्ट दैट। तो फिर वो अपना नाम बताता है कि हाँ मैं हिराकू हूँ और मैं इसका जो है हस्बैंड हूँ। उसके बाद इसने पहली बार किसी के सामने मुझे अपना हस्बैंड कहा है। फिर उसके बाद ये जो लड़की है अपना इंट्रोडक्शन देने जाती है, जिसका नाम होता है टिया, और ये कहती है कि मैं एक एंजल हूँ। फिर उसके बाद फिर जो लू बोलती है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते। फिर जो ये बताती है कि जो हम होते हैं हमारे पास दिमाग होता है, स्ट्रेंथ नहीं होती जैसे कि सोल्जर्स के पास होती है। इसके बाद ये टिनी बताती है कि जो लूफ है इसने सारा डिस्ट्रॉय कर दिया टाउन के अंदर। तो बोला तुमने सही में टाउन डिस्ट्रॉय कर दिया? तो बोलते इन यूनिवर्स की गलती है, जो मुझसे जबरदस्ती मेडिकल मेडिसिन और ड्रग्स बनवा रहे थे, मैंने उन्हें एक छोटा सा सबक सिखाया। फिर छोटा सा सुनकर टिया कहती है तुमने एक छोटा सा सबक सिखाया, तुम रात भर जाग के जो है अपने अजीबोगरीब मेडिसिन पर रिसर्च करती रहती हो, और जब भी तुम्हें कोई परेशान करता है तुम सारी चीज़ें उड़ा देती हो। फिर लूफ कहती है वो तो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। फिर वो कहती है कि हाँ
वो मैं कुछ ज़्यादा ही कर दिया था। फिर वो बताती है कि ये वो टिया ही थी जिसके मैं डर के भाग रही थी, क्योंकि ये मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर ये सुन के जो टिया कहती है, क्या तुम चेंज हो चुकी हो, क्योंकि तुम कभी भी अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं करती। तो उसने बोला कि मुझे तब पता चला जब मैं इन सारे पेट्स से लड़ी थी। इसके बाद जो लूफ टिया से कहती है, इन सब बातें छोड़ो, चलो मैं तुम एक महीना हमारे साथ रहो, मैं चलो तुम्हें क्रॉपफील्ड दिखाती हूँ। ये सुन के जो टिया कहती है, फिर टिया कहती है चलो ठीक है दिखा दो। फिर वो टिया को लेके अपने घर के बाहर आ चुके होते हैं क्रॉपफील्ड में, जहाँ पे सारे वेजिटेबल ग्रो हो रही होती हैं। इसमें सबसे पहले वो वेजिटेबल फील्ड दिखाते हैं और फिर जो फ्रूट के फील्ड है वो दिखाते हैं, और फिर इसके बाद वो उस स्पाइडर से मिलवाते हैं। तो जो टिया होती है वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। फिर जो हिराको होता है वो कहता है लगता है इसको स्पाइडर पसंद नहीं है। फिर वहीं जो लू टिया से कहती है चलो मैं तुम्हें हार्वेस्टिंग के लिए ले चलती हूँ। फिर ये सुन के जो हिराको कहता है कि वैसे भी हमें कुछ लोगों की मदद थी। फिर वो टियागो बोलती है कि क्या तुम मुझसे खेती बाड़ी करवाने वाले हो। फिर लू कहती है हाँ, उसको ले जाती है वो। और फिर हमें दिखाया तो हिराको होता है वहाँ पे कैबेज काट रहा होता है, और फिर उसके बाद वो काटने के बाद जो ट्विनी होती उसको बोलती है कि तुम अब इसे काट के देखो, और फिर उसके बाद वो जो होती है एक ही बार में कैबेज को काट लेती है। और फिर वो बोलती है कि तो बहुत हैवी है, तो बोलता है कि तो हिराको बोलता है कि तुम इसे खा के देखना चाहते हो। फिर जो हिराको होता है उस कैबेज को धो के उस पर नमक लगा के जो टिया को वो दे देता है, और फिर टिया भी उसको खा रही होती है। और फिर जो टिया को ये बहुत टेस्टी लगता है, वो कहती है कि ये जो फ्रेश वेजिटेबल होती हैं वो तो वाकई में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। फिर हिराको बोलता है कि हाँ अगर तुम अपने आप से उगाओगे तो और भी टेस्टी लगते हैं। फिर उसके बाद शाम हो जाती है जिसमें टिया इनकी हेल्प करती है हार्वेस्टिंग में, तो गंदे हो जाते हैं। तो फिर जो ये लू और टिया अपने मैजिक से अपने को ठीक कर देते हैं। तो फिर हिराको सोचता है खास मैं भी ऐसा कर पाता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो टिया है वो स्ट्रॉबेरी खा रही थी, जिसको काफ़ी अच्छा लगता है। फिर वो बोलती है कि जो फार्मिंग काम भी काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी मज़ा आया। जिसके बाद जो लू बोलती है कि तुम्हें मज़ा आया ना, तो अब तुम हमारे साथ ही रहोगी, जिससे वो थोड़ा हिचकिचाती है जो टिया होती है। फिर जो लू होती है वो कहती है कि मेरी बॉडी इतना टोटल नहीं चल पाएगी। फिर अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टिया जो होती है इनकी हेल्प कर रही होती है हार्वेस्टिंग में, और फिर उसके बाद जो है ये जानना चाहते हैं। तो ये बोलती है कि क्या हम और भी ज़्यादा जो स्ट्रॉबेरी है उगा सकते हैं। तो जो मेन करेक्टर बोलता है कि हाँ मैं सही में ज़्यादा उगा जाता हूँ, पर हम ज़्यादा एक्सपेंड कर लेंगे तो हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, हम इतनी हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते। फिर ये सुन के टिया बोलती है कि क्यों ना हमें ज़्यादा लोग मिल गए। तो फिर आगे जाते हैं और फिर वो पपी को देखते हैं और उन्हें खिलाने लग जाते हैं। फिर इसके बाद वो देखते हैं कि इनकी फैमिली ज़्यादा बड़ी हो जा रही है, तो इनकी धीरे धीरे इनके जो बच्चे हुए ये भी अपने पार्टनर लाएंगे। तो फिर सोचता है कि हमें भी इनके लिए एक अलग सा एरिया बनाना पड़ेगा। फिर हिराको सोचता है कि मैं उनके लिए अलग से एरिया बनाता हूँ। और फिर इसके बाद अगले समय दिखाया जाता है कि वो उनके लिए एक बड़ा सा घर बना देता है जिसमें जो सारे पपीस रहने लग जाते हैं, पर उसने जो अभी नई जनरेशन आई है उनके नाम अभी तक सोचे नहीं हैं। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो स्पाइडर होते हैं उनके बच्चे भी वो अपनी जर्नी पे निकल जाते हैं। फिर जो टिया बोलती है कि मैं भी कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। फिर हिराको डर जाता है कि क्या तुम हमें छोड़ कर जा रही हो, बोले कि नहीं मैं सिर्फ कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। फिर वो उड़ जाती है, फिर वहाँ वो उड़ के फिर वापस आती है कुछ दिनों के बाद वापस आती है वो, और वहाँ से फिर कुछ और भी जो मेंबर्स होते हैं लड़कियाँ होती हैं उनको ले आती है जो वहाँ पे टिया का सजेशन सुन के आए होते हैं तो रहने के लिए। फिर वो देखता है जब मेन कैरेक्टर टिया की तरफ, फिर टिया बताती है कि जो इन लोगों का घर था नॉर्थ से थोड़ा दूर एक विलेज में रहा करते थे, पर जो ह्यूमन की वॉर हुई उसके बाद इनका जो घर है डिस्ट्रॉय हो गया, और जो थोड़े बहुत लोग बच गए वो इधर उधर रहते हैं, और इनके पास जो है घर कहने के लिए कोई भी एरिया नहीं है। फिर उसमें एक लड़की बोलती है कि उसका नाम लिया होता है, तो कहती है अगर हमारे पास घर नहीं होगा तो हम अपनी जो पॉपुलेशन को दोबारा नहीं कर ग्रो कर पाएंगे, और बोलती है कि प्लीज़ हमें जगह दे दो। फिर जो टीनी होती है वो कहती है तुम इन पर ट्रस्ट कर सकती, काफ़ी एक्सलेंट वर्कर हैं। और फिर वहीं पर लूफ भी कहते हैं कि हाँ ये काफ़ी अच्छे वर्कर होते हैं, काफ़ी यंग भी तो हैं ये। फिर उसके बाद जो उसमें से एक लड़की बोलती है कि हाँ मैं सबसे ओल्ड हूँ क्योंकि मैं 400 साल जी हूँ, और जो दूसरी लड़की बोलती है कि हाँ मैं सबसे यंग हूँ क्योंकि मैं 300 साल जी हूँ। तो फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि क्या हम यहाँ पर रह सकती हैं। फिर जो टिया और लू भी पूछती हैं क्या ये यहाँ पर रह सकती हैं। फिर जो अपर मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ
तुम यहाँ पे रह सकती हो, वैसे भी यहाँ पे तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा रूममेट्स हैं। ये सुन के जो सारी लड़कियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। फिर लिया पूछती कि हमारे बाकी रूममेट्स कौन है, तो फिर वो जो लू है वो जागुटोन से मिलाती है, और फिर जिसे मिलते हैं सारे बेहोश हो जाते हैं। फिर उनके बाद वो डॉक्स से मिलाती है, फिर वो डॉक्स को भी देख के ये सारे के सारे बेहोश हो जाते हैं। फिर सोचता है कि यहाँ बहुत सारे बंदे आ गए हैं, इनके रहने के लिए और भी घर बनाने पड़ेंगे। फिर वो अगले सीन में और घर बनाने लग जाते हैं और साथ में टॉयलेट बनाते हैं, और फिर वो एक पेड़ को भी काट देते हैं जो इतना बड़ा होता है, जिनको देख के जो लड़कियाँ होती हैं काफ़ी शौक हो जाती हैं, क्योंकि जो पेड़ होता है वो एक स्टील के जितना मजबूत था और इसने एक झटके में ही काट दिया। फिर उसके बाद ये जो सारी लड़कियाँ होती हैं अपना काम निपटा देती हैं और एक बहुत बड़ा घर बना देती हैं। फिर इसको लगता है अपने हीरो को कि ये लगता है इनको ज़्यादा काम आता है मुझसे ज़्यादा। फिर उसके बाद जो ये बोलती हैं, फिर लूव जो बोल रही होती है टिया से कि ये जो घर है हमारे छोटे से झोपड़ी से तो अच्छा है। फिर ये बात सुन के जो अपना हीरो होता है वो काफ़ी दुखी हो जाता है। फिर उसके बाद ये उसके अंदर जाती हैं। फिर हीराकू जैसे ही अंदर आता है तो देखता है कि बिल्कुल एंट्री गेट पे एक लिविंग रूम है बहुत बड़ा, और फिर डाइनिंग टेबल है, और फिर सेकंड फ्लोर पे एक अच्छा सा रूम है, और फिर ऊपर से ये देख रहा होता है कि फिर हीराकू सोचता है कि मैं यहाँ पे ऐसा घर बनाऊंगा जहाँ पे ये सारे लोग एकदम प्यार से रह पाएंगे। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कुछ लड़कियाँ हार्वेस्टिंग कर रही होती हैं और वो काफ़ी खुश होती हैं, जिन्हें देख के जो अपना मेन कैरेक्टर और सारे खुश हो जाते हैं कि ये काफ़ी खुश है। और कुछ लड़कियाँ कच्ची गार्लिक्स खा रही होती हैं। और उसके बाद जो हमें दिखाया जाता सीन सीधा अगले दिन का, कि हीराकू सुनकर शौक हो जाता है कि जो एल्स होती हैं वो फायर का यूज़ करती और मीट खाती हैं, क्योंकि उसे लगता था कि ये सिर्फ नेचर करीब होती हैं और ये सब चीज़ें नहीं करती। फिर जिसे सुनकर जो लिया कहती है तुम्हें क्या लगता है कि नेचर को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए, अगर जिस तरह तुम बता रहे हो अगर उस तरह हम रहने लग जाएं तो फिर तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। फिर वो हीराकू समझ जाता है, फिर वो कहता है कि हम तुम्हारे लिए अब माइनिंग भी करेंगे। लड़किया कहती है कि हम तुम्हारे लिए अब माइनिंग भी करेंगे। फिर उसके बाद फिर वो कहता है कि क्या एल्फ ये भी कर सकते हैं। उसे लगा कि इस दुनिया में एल्फ होते होंगे जो ये माइनिंग वाइनिंग का काम संभालते होंगे, जिसके हम देखते हैं कि जो लिया के ऑर्डर पे सभी एल्फ मिलकर एक फर्नर बना देती हैं। ऑफिस के बाद लोहे को पिघला के इसे मारने के बाद ऑर्डर से इसको एक कढ़ाई बना देती हैं, जिसे देख के अपना मेन कैरेक्टर काफ़ी शौक हो जाता है। उसे लगा नहीं था कि कभी तुम ये काम कर सकती हो। तो बोलते हैं तुम्हें काम आ जाएगा जब तुम बिना होम के यहाँ 200 साल घूमोगे। तो फिर उसके बाद तो जो नेक्स्ट दिखाया सीन दिखाया जाता है जिसमें ये काम निपटा के घर जा ही रहे होते हैं, तभी एक एल्फ आती है और कहती है अगर हम इस चीज़ का यूज़ करें तो हम ब्रेड बना सकते हैं, क्या मैं ब्रेड बना सकती हूँ। रघु कहता है हाँ क्यों नहीं बनाओ। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो ब्रेड बना रही होती हैं। फिर जब ब्रेड बन जाती है तो वो ब्रेड खाते तो उनको काफ़ी टेस्टी लगती है। तभी जो हीराकू सोच रहा होता है कि जो उस लड़की के पास जार था उसमें नेचुरल बीन्स थी जिससे ये सॉफ्ट और भी सॉफ्ट बन गई ब्रेड। फिर उसके बाद वो हीराकू पूछता है लू से कि मैं थोड़ा लेट पूछ रहा हूँ पर मैं जानता हूँ तो क्या ये जगह जो हम काम करते हैं ये किसी से बिलोंग करती है। फिर सोचती है तो कहती हाँ ये डीमन लोग के अंदर तो आती है। फिर वो देख सोचती गुस्सा हो जाता है कि डीमन लोग कहीं हमसे गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे। फिर वो बोलती है कि क्या तुम्हें ये जब जगह बनाई थी तुम्हें किसी ने हेल्प करी थी। बोलते हैं कि नहीं ये मैं खुद ही बनाई थी। और फिर कहाँ तक बोलते कि फिर कोई दिक्कत नहीं ये जगह फिर तुम्हें बिलोंग करती है। ये सुन के जो हीराकू थोड़ा सा रिलैक्स होता है खुश हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं टिया को जो कि कह रही होती है कि हीराकू जो है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज से भरा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले उसने एक इंटरनल वुल को पकड़ा और एक स्पाइडर को, उसे तो इस वर्ल्ड के नॉलेज के बारे में भी पता नहीं है। फिर तभी ली कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, क्योंकि वो कहता है कि एल्स तो होती हैं वो मीट नहीं खाती हैं और फायर का यूज़ नहीं करती। फिर वो हीराकू को काफ़ी अजीब मानती हैं पर वो फिर इस बात को इग्नोर कर देती हैं। फिर अगले सीन में हीराकू एक और दिखाई फिर जो एक कप को बना रहा होता है। फिर उसे याद आता है कि हाँ मैंने जो वाटर वे का रास्ता वो बीच में ही छोड़ दिया था। फिर वो कहता है कि कोई नहीं मैं अगली दिन इसको बना लूँगा। तो यही था आपका एपिसोड, मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। थैंक यू। और अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई एनिमेशन आप एक्सप्लेन देखना चाहते हैं तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।